नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहदिल से स्वागत है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। तो भीड़ नहीं है दुनिया की, तेरे अंदर ही जमाना है। दोस्तों, आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। कहीं ना कहीं ये बात सही कही गई है। और आप इतनी खामोशी से तैयारी करिए कि दोस्तों, जब आपको सफलता मिले ना और सफलता के साथ आप दुनिया के सामने खड़े हो, तो दोस्तों भीड़ का आपको दोस्तों कारण बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। दोस्तों उसी के लिए, उसी सफलता के लिए हम लगातार दोस्तों मेहनत कर रहे हैं। और देखिएगा, ये जो आज का क्लास है, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन टूल से संबंधित है। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, चित्र के साथ होंगे, और सभी क्वेश्चनों को विधिवत रूप से हम उसको कवर करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ कर देख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इतना इजी ये टॉपिक है दोस्तों, इसको पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास की। चित्र में दिखाए गए तीनों टेपों के नाम क्रमशः क्या है, है ना। ये पहला टेप है, टैप है ये दोस्तों, इसको नाम मैं दे देता हूँ ए, ये है बी और ये सी। तीन इसमें टैप है और तीनों का नाम आपको बताना है। देखिए, ये जो है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट टैप, ये है इसको हम कहते हैं दोस्तों फर्स्ट टैप, और ये है प्लग टैप। यानी कि टोटल तीन टैप है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, इंटरमीडिएट टैप में दोस्तों एक ऐसा टैप है, सुनना, एक ऐसा टैप है कि जब भी इससे हम दोस्तों चूड़ी काटते हैं, तो चूड़ी काटने से पहले हमें एक रफ चूड़ी काटना पड़ता है। जैसे कि मेन क्रिकेट खेलने से पहले दोस्तों एक प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ता है ना, मेन मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच खेली जाती है, बस वैसे ही दोस्तों इंटरमीडिएट टैप से ना आप जब भी चूड़ी काटते हैं, तो मेन चूड़ी काटने से पहले आपको रफ चूड़ी काटना पड़ता है, फिर आप इसको यूज करते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए, गौर से पढ़िएगा, चित्र में दिखाए गए ये जो माइक्रोमीटर है दोस्तों, 0 से 25 mm साइज तक की मापता है कि तीनों अलग अलग स्केल के द्वारा रिकॉर्ड की गई लंबाई के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, ये है आपका ए, और ये है माइक्रोमीटर का चित्र बी, और ये है सी। इसमें देखिए, इसमें 10 के बाद कितना है, 11, 12, 13, यानी कि 13.30, इसमें कितना है 13.30 mm, है ना। और इसमें देखिए, 10 के बाद दोस्तों आपको कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रहा, एक है, यानी कि 11, इसमें कितना दिया गया है, सॉरी 10.50, है ना। 10 के आगे देखिए, इसमें कोई संख्या नहीं है, और फिर पॉइंट में 50, 10 की 10.50 mm, ये वायर की साइज इसमें मापा गया है। और इसमें देखिए कितना है, 10 के बाद दो संख्या और है, यानी कि 12.14, कितना है इसमें 12.14 mm। तो ये देखिए, तीन माइक्रोमीटर है, तीनों में अलग अलग साइज से आपको वायर को मापा गया है, और इसका रिकॉर्ड हमें चेक करना है। तो 13.30 है, 10.50, 12.14 mm, है ना। 13.30, 10.50, और सी में है 12.14, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। तो देखिए, अभी देखिए, जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उसमें से 80 से 85% ऐसे आजकल कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं जिसमें स्किल टेस्ट हो रही है, है ना। तो स्किल टेस्ट के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चित्र में दिखाए गए टैप रेंचों के नाम बताइए। यह है आपका एडजस्टेबल टैप रेंच। देखिए, इससे जुड़ी कुछ घटनाएं सुनिए। ये जो एडजस्टेबल टैप रेंच है ना, इसमें देखिए दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है। जब आप रॉड को घुमाते हैं, रॉड को जब घुमाएंगे, ये आगे पीछे खिसकता है, ये टैप रेंचो जो है ये आगे पीछे खिसकती है। देखिए, एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, जब इसको घुमाएंगे ना तो ये भी आगे जाएगी, इसको घुमाएंगे तो ये भी आगे आएगी, और दोनों पे देखिए ना वी आकार का स्लॉट बना हुआ है, इधर वाले पे ऐसे, इधर वाले पे ऐसे। तो जब इसको घुमा के पूरा सटा देंगे आप, तो इसमें वर्ग के आकार का बन जाता है स्लॉट, और उसी पे आपको टैप फंसाना होता है ना, किसके लिए, चूड़ी काटने के लिए। तो यही है एडजस्टेबल टैप
रेंचो। ड्रिल की से क्या होता है कि जो हैंडल मशीन होती है उसमें जो ट्विस्ट ड्रिल बिट होता है उसको खोलने और उसको कसने के लिए यूज करते हैं, और हैंड टैप जो होती है ना इसके द्वारा आप क्या करते हैं कि हाथ से घुमा करके चूड़ियां काटते हैं किसी भी धात्विक भाग पर, यानी कि मेटेलिक पार्ट पर हाथ के द्वारा हैंड का प्रयोग करके आप चूड़ी काटते हैं। इनमें से सॉलिड टैप रेंच कौन सा है, तो इसमें देखिए ये है आपका चित्र ए और ये है चित्र बी और ये है चित्र सी, है ना। तो इनमें से सॉलिड टैप रेंच कौन सा है, तो यही है दोस्तों आपका सॉलिड टैप रेंच, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, चित्र नंबर ए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए सॉलिड टैप रेंच का काम क्या होता है कि जो आपके पास कोई मान लीजिए स्क्रू है, स्क्रू में आपको टैपिंग करना है यानी कि आपको स्लॉट बनाना है, चूड़ियां काटना है, तो आप इसी का प्रयोग करेंगे। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी दोस्तों किसी भी स्क्रू में टैपिंग कर सकते हैं ना, चूड़ियां काट सकते हैं। और ये है आपका ट्विस्ट ड्रिल बिट, और इसको ट्विस्ट ड्रिल बिट है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों ट्विस्ट ड्रिल बिट इसको कहा जाता है। और ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सरफेस गेज, इसको कहा जाता है सरफेस गेज, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यही सॉलिड टैप रेंच कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों इस क्लास को भी शेयर कर देना, बस आपका जो काम है ना आप अपना काम करिए, बाकी दोस्तों मेरा काम है आप तक कंटेंट पहुंचाना, वो दोस्तों मैं पूरी ईमानदारी से पहुंचाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पढ़िएगा इसको कि चित्र में दिखाए गए टूल का नाम क्या है, है ना। तो इसको हम कहते हैं काउंटर सिंक बिट। देखिए काउंटर सिंक बिट जो होता है ना, चित्र तो आपने देख लिया अलग अलग साइज का है ये आपका काउंटर सिंक बिट, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, जैसे कि आप जब टैपिंग करते हैं चूड़ी काटते हैं ना, मान लीजिए कि कोई एक सीट है उस सीट में आपको चूड़ी काटना है, तो जब आप चूड़ी काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, बर्र निकलता है, उस बर्र को साफ करने के लिए, है ना, उस बर्र को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डाई के द्वारा आप क्या करते हैं, तो आप डाई के द्वारा बाहरी चूड़ी काटते हैं, ध्यान रखिएगा इसके द्वारा आप बाहरी चूड़ी काटेंगे, और टैपिंग के द्वारा आप अंदर चूड़ी काटेंगे, है ना, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, है ना। तो आंतरिक चूड़ी किसके द्वारा काटेंगे, बाहरी चूड़ी किसके द्वारा काटेंगे, दोस्तों आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीता से आप क्या करते हैं, आप दोस्तों लंबाई मापते हैं, किसी भी वस्तु की आप लंबाई फीता से माप सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए हथौड़े के नाम लिखिए। देखिए ये जो हथौड़ा है ना, बिल्कुल दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन आया है ना कि ये फोकट में आपको नंबर दे जाएगा। अब आपको पहचानने का कला मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का हथौड़ा है। देखिए ये कौन सा है, ये बॉल पिन वाली हथौड़ी है ना, बॉल पिन हथौड़ा हथौड़ी। देखिए जब आप दुकान में जाते हैं स्टेशनरी के, तो आप कहते हैं कि बॉल पेन चाहिए मुझे, बॉल पेन आपने क्यों कहा, क्योंकि देखिए जो पेन होता है ना उसकी जो नीब होती है, नीब के अंदर छोटी सी बॉल के आकार का एक छर्रा लगा होता है, इसीलिए उसको बॉल पेन कहा जाता है। बस इसका भी देखिए जो पिन है ना गेंद की तरह बिल्कुल दोस्तों गोला आकार का है, इसीलिए इसके पिन के नाम से हम इसका नामकरण कहते हैं, ये बॉल पिन आकार का है। और ये है आपका क्रॉस पिन आकार। अब इसको क्रॉस पिन आकार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इसको इसकी जो डंडी है ना, इसकी जो डंडी है ऐसा है, और इसका जो देखिए इसका जो पिन है वो इस आकार का है, यानी कि इस आकार का, देखिए ये क्रॉस कट्टस के आकार की दिखाई दे रही है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्रॉस पिन हथौड़ा। अब ये है जो ये है आपका स्ट्रेट पिन हथौड़ा, ये स्ट्रेट पिन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसकी देखिए इसका जो हैंडल है वो तो इस परपेंडिकुलर है, और इसका जो पिन है ना वो भी परपेंडिकुलर ही है, वो भी कैसा है परपेंडिकुलर है। देखिए एक ये दोनों कैसा है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है ना, बिल्कुल कैसा है सीधा है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए जो आपका बॉल पिन है ना इसका प्रयोग आप कहां पर करते हैं, तो रिवेटिंग करने के लिए, रिवेटिंग कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है ना, बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग रिवेटिंग कार्य के लिए। और जो आपका क्रॉस पिन है, इस क्रॉस पिन हथौड़े का प्रयोग वहां पर किया जाता है जैसे कि कोई चादर है ना, चादर को
किनारों से मोड़ने के लिए, चादर को जब भी आपको किनारे से मोड़ना है तो आप क्रॉस पिन हथौड़े से ठोक करके आप उसको मोड़ सकते हैं। फिर स्ट्रेट पिन हथौड़ा, इस स्ट्रेट पिन हथौड़ा से ना आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट पिन हथौड़ा से किया था दोस्तों कि जैसे कि कोई चद्दर है ना, कोई पतली सीट है, उसको कोने में कॉर्नर यूज के लिए इसको प्रयोग करते हैं। किसके लिए? कॉर्नर प्रयोग के लिए, कॉर्नर प्रयोग हेतु इसको प्रयोग करते हैं। कोई भी एक सीट है पतली, मान लीजिए उसको हमें कोने से मोड़ना है तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा है चित्र में से फर्मर चीजल का चित्र कौन सा है? अब देखिए फर्मर चीजल को ना हम रुखानी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ये बहुत मजेदार नाम है रुखानी। अब देखिए जो रुखानी है ना, जिसने दोस्तों रुखानी देखा होगा वो फर्मर चीजल को भी समझ जाएगा। ये है, इसमें मैं आपको नाम दे दूं आपका, चित्र ए है, चित्र बी है और ये चित्र सी है ना। तो ए बी सी और यही है आपका रुखानी। यही है क्या? रुखानी। चित्र बी इसका सही आंसर है। और रुखानी जो होती है ना, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी? हाई कार्बन स्टील की हम इसको तैयार करते हैं। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? फर्नीचर में। कहां पर? फर्नीचर में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर स्टोन कार्य के लिए। किसके लिए? स्टोन कार्य हेतु। जैसे कि कोई पत्थर का कार्य करना है या फिर फर्नीचर का काम करना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है ना। और बाकी इसको दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये कहां प्रयोग किया जाता है, और ये है सेंटर पंच। ये क्या है? सेंटर पंच है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र झलाहल आरा की एक पहचान है? बिल्कुल दोस्तों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चनों से आपका सामना होने वाला है, बस इस पूरे क्लास को आप देखना, बहुत मजा आएगा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है वो झल्लाहट आरा की पहचान होती है? अब इसका भी मैं नामकरण करता हूं, ये है चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी। तो झल्लाहट आरा जो है ना यही कहलाती है, झल्लाहट आरा है ना। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? जो आपकी पतली आकार की है ना, पतली जो लकड़ी होती है ना, पतली आकार की जो लकड़ी होती है ना, उसमें डिजाइनिंग के लिए। किसके लिए? डिजाइनिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं है ना। डिजाइनिंग का मतलब है कि जैसे कि आपका दोस्तों फर्नीचर का काम चल रहा है ना, फर्नीचर का काम, उस फर्नीचर में आप बहुत पतली लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लकड़ी में अगर आप डिजाइन लगाना चाहते हैं, डिजाइन से उसकी कटिंग करना चाहते हैं ना, तो इस झल्लाहल आरा का आप प्रयोग करेंगे। देखिए फैशन पे तो पूरी दुनिया चल रही है दोस्तों है ना। आप चाहे दीवान लीजिए, डबल बेड लीजिए, फर्नीचर का कोई भी आप आइटम लीजिए, उसमें दोस्तों भरपूर डिजाइन रहता है। तो डिजाइनिंग करने के लिए इस झल्लाहल आरा का हम इस्तेमाल करते हैं है ना। कहां पर यूज करेंगे? तो आप लिखिएगा दोस्तों बढ़ई कार्यों के लिए, बढ़ई में या फिर फर्नीचर में है ना, फर्नीचर हो या फिर बढ़ई हो, दोनों में हम इसका यूज करते हैं। यह है माइक्रोमीटर और इसको हम कहते हैं पॉपिंग सो। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में दिखाए गए हेक्सा ब्लेड की सेटिंग के BIS के अनुसार बताइए, सेटिंग के नाम PIS के अनुसार बताइए। देखिए जो आपका आरा होता है ना, आरी, आपने देख रखा होगा आरी, तो उस आरी का जो दांत होते हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो इसमें दो वैरायटी का दांत दिखाया गया है। ये जो है ना इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको बी। तो देखिए ए वाला जो है ना, ये है दोस्तों आपका सॉ टूथ वेब सो है ना, सॉ टूथ वेब सेट आप इसको नाम दे दीजिए, सॉ टूथ वेब सेट। और ये जो बी वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टैगर्ड सेट, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ये है वेब सेट और ये है स्टैगर्ड सेट है ना। तो अलग अलग प्रकार से आरी के दांत होते हैं और उसी को आपको पहचानना था, यानी कि दोस्तों ये पहचानने का आपको तरीका होना चाहिए। आप हर चित्र को देख करके पहचान सकते हैं और ये जो है ना, ये सब आपके आगे जब आपकी सर्विस लग जाएगी उस टाइम पे ये काम आएगी। तो आपको दोस्तों पहले से पहचान के रखना होगा चित्र में किस किस्म के मीटर को दिखाया गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये माइक्रोमीटर का चित्र है। ये है इसका फ्रेम वाला पार्ट है ना, मैं इसका नामकरण कर देता हूं। ये है फ्रेम और इसको हम कहते हैं एनविल, इसको कहा जाता है
एनविल और यह इसका स्पिंडल है ना, ये क्या है स्पिंडल वाली भाग, और इसको कहते हैं लॉक। लॉक का क्या काम होता है, लॉक करना, और ये है आपका स्लीव, इसको कहा जाता है स्लीव, और ये है इसका थिम्बल, ये क्या है थिम्बल है, और इसको कहा जाता है रैचिड। तो ये सारे दोस्तों नाम है इसके, आपको नाम पता होना चाहिए, और इसको पता है यूज कैसे किया जाता है, इसको यूज करने के लिए दोस्तों ऐसे पकड़ा जाता है, देखिए ये जो दो उंगली है सबसे नीचे वाले ना उसको फ्रेम में फंसाई जाती है, और ये जो उंगली है जिसको मध्यिका कहते हैं वो लॉक के ऊपर होती है, और ये जो तो एक अंगूठा, एक तर्जनी और अंगूठा ये फ्री होती है इस थिम्बल को घुमाने के लिए या फिर इस रैचिड को घुमाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप से आप क्या चेक करते हैं, दिल की धड़कन चेक करते हैं, यानी कि जब आप रात को बुरा सपना देखते हैं ना, तो बुरा सपना देखने के दरमियान आप दोस्तों जब जगते हैं तो डर करके थोड़ा जगते हैं, तो उस टाइम पे जो आपकी दिल की धड़कन होती है ना वो अधिक होती है, वो दिल की धड़कन जो धक धक करता है ना अंदर वो अधिक, वो एक मिनट में 72 नहीं बहुत लगभग 100 तक कंप्लीट हो जाती है। तो दिल की धड़कन चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप, एम्पियर मीटर से आप वर्तमान चेक करते हैं जिसको आप कहते हैं धारा, और ओडोमीटर से आप क्या करते हैं गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं, है ना, स्पीड किलोमीटर में, किसमें किलोमीटर में, और ये एक ऐसा मीटर है ना, एक ऐसा मीटर है जो एक बार शुरू हो गया ना तो फिर जीरो से कभी शुरू नहीं होता। जैसे कि आपने गाड़ी को जीरो से लेकर के 25 किलोमीटर तक चला दिया है ना, जीरो से 25 किलोमीटर तक चलाया, फिर गाड़ी को आपने बंद कर दिया यानी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे तो ऑडोमीटर जीरो किलोमीटर से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, वो 25 किलोमीटर से पढ़ना स्टार्ट करेगा, जीरो से एक बार ही स्टार्ट होती है। तो ये कमाल है ऑडोमीटर का। इसका बाइक में यूज करते हैं, कहां पर, बाइकों में यूज होता है। चित्र में किस इलेक्ट्रिशियन टूल को दिखाया गया है, तो ये है आपका कॉपिंग सो, मैंने बताया था ना कॉप सो, इसको कहते हैं कॉपिंग सो, ये है आपका कॉपिंग सो, और बढ़ई गिरी में इसका प्रयोग करते हैं, कहां पर, बढ़ई में इसका यूज किया जाता है। जो बढ़ई का काम करता होगा ना उसको बहुत अच्छी पता, अच्छी तरह से पता होगा कि होल सो का प्रयोग कहां पर करते हैं, इसके द्वारा हमें अगर किसी सीट में वर्गाकार या फिर आयत के आकार का होल करना है, होल काटना है, तो हम की होल सो का प्रयोग करेंगे। हैक्सा के द्वारा दोस्तों हम चद्दर की कटाई के लिए, है ना, चद्दर की कटाई के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी चद्दर को काट रहा है तो हैक्सा, और पंच सौ से आप क्या लगाते हैं मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 कंप्लीट है, 12वां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चित्र है, तो यह है आपका ऑटोमेटिक सेंटर पंच। देखिए ऑटोमेटिक सेंटर पंच का आप ना यूज वहां पर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है या फिर कोई उपकरण है, कोई डिवाइस है, मान लीजिए कि कोई डिवाइस है ना, ये है एक डिवाइस, इसमें देखिए मान लीजिए एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में अगर आपको उसका सिंबल बनाना है, ऐसे प्रतीक बनाना है, तो आप ऑटोमेटिक सेंटर पंच का यूज करेंगे। ड्रिफ्ट पंच का वहां पर यूज किया जाता है, जैसे कोई पतली सीट हो गई ना, जैसे कि कोई पतली सीट हो गई, उस सीट में होल करने के लिए, किसके लिए होल करने के लिए, सीट में होल करने हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, या फिर अगर होल पहले से है तो उस होल को फिनिशिंग देने के लिए हम ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग करते हैं। डॉट पंच का स्थाई मार्किंग, परमानेंट मार्किंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ना, स्थाई मार्किंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्थाई मार्किंग। और बॉल प्लग पंच इसका प्रयोग करते हैं, अगर आपको दीवार पर वायरिंग करना है ना, अगर दीवार में वायरिंग हेतु, दीवार में वायरिंग हेतु मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, मार्किंग हेतु इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको केसिंग केपिंग वायरिंग करना है किसी अपने रूम में, तो जो आप केसिंग बिछाते हैं तो आप चाहते हैं ना बिल्कुल दोस्तों सीधा हो केसिंग आपका, ताकि जब वायरिंग कंप्लीट हो तो देखने में भी वो सुंदर दिखे, तो उसके लिए पहले आपको मार्किंग करना पड़ता है, तो वॉल प्लग पंच से आप क्या करते हैं मार्किंग करते हैं, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है वायरिंग में।
क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्र में किस बिट को दिखाया गया है। तो ये आसान सा एक बिट है जिसको हम ट्विस्ट बिट कहते हैं, और ड्रिल बिट का दोस्तों ये बिट है, इससे केवल होल किया जाता है, इससे चूड़ी कभी नहीं काटते हैं। ध्यान रखिएगा, होल करना अलग चीज है, चूड़ी काटना अलग चीज है ना। तो ट्विस्ट बिट से आप क्या करते हैं, होल करते हैं। हैंडल बिट का ये क्या है, एक बिट है। और आगर बिट जो है ना, इस आगर बिट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, रैचिड जो ब्रेस होती है ना, रैचिड ब्रेस जो टूल होता है ना, उसी रैचिड ब्रेस का ही ये क्या है, उसी का बिट है। रैचिड ब्रेस का ये क्या है, बिट है। और ये भी दीवार में होल करने के काम आता है। चित्र में चित्र की पहचान करिए, तो ये वर्नियर कैलिपर्स है, साधारण सा चित्र है वर्नियर कैलिपर्स का। और ये तार की व्यास को मापता है, किसको, तार की व्यास को मापता है। तार की लंबाई मापना हो, मोटाई मापना हो, ऊंचाई चौड़ाई जो भी मापना है, सब कुछ ये माप करके दे सकता है ना। और इसका जो लिस्ट काउंट है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट काउंट 0.1 mm इसका लिस्ट काउंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। डायल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, इसको भी आपको याद रखना है, है ना। डिजिटल वर्नियर कैलिपर और सामान्य वर्नियर कैलिपर सब एक जैसे होते हैं, बस डिजिटल में क्या होता है कि उसमें एक डिस्प्ले लगी होती है, इसमें आपको निकालना पड़ता है ना कि इतना मीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर, इतना इतना mm हो गया, उसमें कुछ नहीं निकालना पड़ता, वो सीधे शो कर देता है डिस्प्ले में। तो यही फर्क है, टाइम की बचत होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होता है, है ना। वर्नियर डेप्थ गेज में गहराई मापी जाती है, इससे आप क्या मापते हैं, गहराई मापते हैं। तो आज के क्लास का लास्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, चित्र को देखकर पहचानिए। बड़ा ही आसान सा चित्र है, और इसका प्रयोग दोस्तों तार की कटिंग के लिए हम करते हैं, है ना। तार को अगर आपको काटना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और निप्पर इसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो ये रहे दोस्तों टूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही काम आने वाला क्वेश्चन है आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में, या फिर अभी जो यूपी पीएसएल का पेपर होना है ना, उसमें ये क्वेश्चन काम आ सकते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए और आप देखिए, आप खुद देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिशियन टूल है ना, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। और इतना आसान क्वेश्चन होता है ना, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, वो कभी नहीं भूलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन इलेक्ट्रिशियन टूल से संबंधित क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को भी शेयर करिएगा, और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।